आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा एक L293D मतलब मोटर लीवर के कनेक्शन कैसे करा जाते हैं, कैसे हम एक मोटर लीवर से एक मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको लेफ्ट या फिर राइट घुमा सकते हैं। तो सबको यार बहुत सिंपल तरीके से दिखाना बोलते, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो मेरे पास एक रहा मोटर लीवर L293D और ये रहा मोटर। अभी इसकी जो दो टर्मिनल होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसको इन दोनों साइड में से किसी भी एक साइड पे कनेक्ट करना होगा। तो चलो मैं यहाँ पे पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। सो मोटर कनेक्ट होने के बाद अभी हमें इस आईसी को मतलब इस मोटर लीवर को पावर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, एक में 5 वोल्ट देना पड़ेगा, एक में जो है हमें 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट देना पड़ेगा। ये 12 वोल्ट यूज होगा मोटर को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए, और 5 वोल्ट यूज होगा इस आईसी को चलाने के लिए। आपके पास एक 12 वोल्ट का बैटरी, अब 12 वोल्ट अगर मैं सीधा लूंगा तो आईसी खराब हो सकता है। इसके लिए मैं यूज करूंगा एक 7805। तो 7805 बेसिकली यूज इसीलिए होता है, इसमें अगर मैं 12 वोल्ट दूंगा तो ये जो है 5 वोल्ट आउटपुट दे देगा। उसको मैं कनेक्ट करूंगा एक ब्रेड बोर्ड के साथ। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है उसको मैं इसके फर्स्ट वाला होता है पॉजिटिव, बीच वाला होता है नेगेटिव मतलब मिडिल वाला। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी हमें लास्ट वाले पॉइंट पे जो है हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक 5 वोल्ट यहाँ पे लगा कर ग्राउंड को यहाँ पे लगा के उसको, ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव लेकिन 5 वोल्ट वाला, उसको मैं कनेक्ट करूँगा इस आईसी के साथ। तो 5 वोल्ट कनेक्ट करें यहाँ पे, और अगर सही कनेक्शन होता है तो यहाँ पे जो एलडी है वो ग्लो करना चाहिए। देख सकते हो एलडी ग्लो कर रहा है। अभी हमें जो है मोटर को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे जो 12 वोल्ट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो पहला वाला पॉइंट है इससे कनेक्ट करके लगाऊंगा एक 12 वोल्ट यहाँ पे। अगर मैं इसके कनेक्ट करूँगा तो जो मोटर है वो घूमेगा नहीं। देखो कनेक्ट कर दिया बट मोटर घूम नहीं रहा, क्योंकि हमने सिग्नल पॉइंट अभी तक कुछ भी कनेक्ट नहीं करा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, और एक कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। अभी हमारे पास ये रहा दो सिग्नल पॉइंट। अभी ये वाला फीमेल है तो मुझे मेल कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमारे पास रहा ये दो टर्मिनल। तो इन दोनों की मदद से हम मोटर को या तो लेफ्ट या फिर राइट घुमा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये 5 वोल्ट वाला है। तो यहाँ पे जो है मैं कनेक्ट करूंगा एक टर्मिनल को, चलो एक को मैं नेगेटिव पहले कनेक्ट करके रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मोटर घूम नहीं रहा। अभी इसको अगर मैं पॉजिटिव में कनेक्ट करूंगा तो मोटर को घूमना चाहिए। तो चलो देखते हैं, देखो घूम रहा है, लेकिन किस तरह घूम रहा है पता नहीं चला। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो हम इसे कर लेते हैं। तो इसे हमने कनेक्ट कर लिया। अभी जब भी मैं उसको पॉजिटिव में कनेक्ट करूंगा तो देखो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अभी अगर मैं सिग्नल पिन को चेंज कर दूं, मतलब इसको अगर मैं नेगेटिव में कनेक्ट कर दूं, तो देखो ये उल्टा घूम रहा है, ठीक है। अभी इसको मैं अगर पॉजिटिव में लगा दूं और इसको नेगेटिव में लगा दूं, तो देखो अभी ये उल्टा घूम रहा है। फिर से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब इसको नेगेटिव में लगा दूं और इसको पॉजिटिव में लगा दूं, तो देखो अभी ये फिर से उल्टा घूमने लगा। तो ऐसे ही जो है आप मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मोटर नहीं, आप एलडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं।